मेरा नाम अंशुल भट्ट है और मैं उत्तराखंड बाल विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष रहा हूँ। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड बाल विधानसभा निरंतर आगे काम करती रहे, बनी रहे, क्योंकि वास्तविक मायनों में उत्तराखंड बाल विधानसभा बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि बच्चे लोकतंत्र को बहुत करीबी से महसूस करते हैं। इसके साथ साथ बच्चे अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आते हैं, सत्र में उन पर चर्चा करते हैं और वो लोग जो कि बच्चे के लिए जिम्मेदार हैं वो कहीं ना कहीं उन समस्याओं से रूबरू होकर उन पर काम करने की सोचते हैं। उत्तराखंड बाल विधानसभा का गठन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बच्चों के अधिकारों पर पारित प्रस्ताव के मसौदे के अनुरूप किया गया है। इस बाल विधानसभा के गठन का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड राज्य के बच्चों को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पर वे अपनी समस्याओं को रख सकें एवं उन पर विचार विमर्श कर सुझावों को राज्य सरकार तक पहुंचा सकें ताकि उसके अनुरूप बच्चों के मुद्दों का समाधान किया जा सके। उत्तराखंड बाल विधानसभा से जुड़ने से मुझे लोकतंत्र के अहमियत का पता चला और साथ ही साथ बच्चों के मुद्दों पर काम करने की इच्छा जागृत हुई और स्वयं का भी आत्मविश्वास बढ़ा। सभी बाल विधायक अपने अपने क्षेत्र में वापस जाकर के काम भी करते हैं। मैंने अपने क्षेत्र में जाकर के बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति तथा बालिकाओं के साथ हो रहे भेदभाव पर विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान किए। एक पत्रकार के रूप में मैंने कोशिश करी कि जो बच्चों के मुद्दे हैं वो सामने आए। मैं बहुत लंबे समय से भी खुद बाल पंचायत से जुड़ी रही हूँ, इसलिए शायद उन चीज़ों को समझना मेरे लिए आसान हुआ। जब बात ऐसे इस तरह के मुद्दे, इस तरह की क्रिटिकल चीज़ें हमारे सामने हो तो जाहिर सी बात है आप उन मुद्दों के लिए, आप उस खबर के लिए आप ज़रूर लड़ोगे। एक मीडिया पर्सन होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते मैं उस कलम का हमेशा से सदुपयोग करूँगी। उत्तराखंड बाल विधानसभा इज सेलेक्टेड थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। दे हैव 17 मेंबर्स हु रिप्रेजेंट द 40 लाख चिल्ड्रन ऑफ उत्तराखंड कमिंग फ्रॉम ऑल द 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। दे हैव देयर एनुअल कन्वोकेशन इन विच दे डेवलप पॉलिसी कैप्सूल्स विच दे देन प्रेजेंटेड टू गवर्नमेंट फंक्शनरीज एंड the government has been very proactive in terms of receiving those inputs from the children and the Bal Vidhan Sabha and using it appropriately for their policy making.